आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, तेहरी डैम कॉन्फ्लिक्ट या तेहरी डैम मूवमेंट, इसको तेहरी डैम आंदोलन भी बोला जाता है। आज हम काफी चीजें देखेंगे। दोस्तों आपको पता ही है कि भारत में जो 7 इकोलॉजिकल मूवमेंट्स हुए थे, सबसे इंपॉर्टेंट उनको हम कवर कर रहे हैं। वो साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और वो साथ ही हुए थे, बाकी छोटे छोटे तो ऑलरेडी चलते रहते हैं, तो उनको हम देख रहे हैं। 6 कवर हो चुके हैं, ये लास्ट है। तो आज हम तेहरी डैम कॉन्फ्लिक्ट को देखेंगे दोस्तों, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं इसमें बहुत सारी चीजें बताऊंगा, मैं इसमें डैम कैसे काम करता है वो बताऊंगा, डैम का पर्पस क्या होता है, और ये पूरा का पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट है ये क्यों हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सीडर इसको रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है सिद्धांत अग्निहोत्री, मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। दोस्तों हिंदी में भी पीडीएफ जो है वो अवेलेबल है। आप स्टडी आईक्यू के ब्लॉग्स को विजिट करिए, वेबसाइट को विजिट करिए, आपको सारी फैकल्टी की हिंदी में पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। साथ ही साथ हमने हर एग्जाम को कवर किया है दोस्तों। आप इन नंबर्स पर कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए, टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्स स्टडी आईक्यू के आते हैं। अब बहुत सारे नए कोर्सेज भी आए हैं, यूपीएससी ऑप्शनल के लिए हमने पॉलिटिकल साइंस का कोर्स निकाला है, उसके बाद यूजीसी नेट के लिए हमने कॉमर्स, बहुत जल्द हम कॉमर्स का कोर्स लाने वाले हैं। तो जो लोग भी भैया कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, वो ये कोर्स जरूर अवेल करें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब ये आप देख सकते हैं भारत के इंपॉर्टेंट 7 मूवमेंट्स, मैंने सब कवर कर दिया है। बिश्नोई मूवमेंट, सबसे पहला जो भारत का इकोलॉजिकल मूवमेंट था बिश्नोई समाज ने जो चालू किया था 1730 में, वो हम देख चुके हैं। चिपको मूवमेंट सबसे पहले मैंने कवर किया था 3-4 महीने पहले, वो ऑलरेडी अवेलेबल है। आप स्टडी आईक्यू मतलब सर्च करिएगा स्टडी यूट्यूब के बारे में कि चिपको मूवमेंट स्टडी आईक्यू, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब चिपको मूवमेंट सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट था, ये एक ऐसा पहला मूवमेंट, पहला इन्फ्लुएंशियल मूवमेंट था जिसने सबको ये बता दिया था कि सरकार को झुकाया जा सकता है। आपको पता ही है कि पेड़ों को काटना उत्तराखंड में कोपेश्वर में शुरू कर दिया, तो वहीं से ही ये मूवमेंट जो है स्टार्ट हुआ था। सुंदर लाल भौगणा वो पॉनियर थे इस मूवमेंट के, और उसके बाद जितने भी लोग थे, सबसे बड़ी बात है दोस्तों इन इकोलॉजिकल मूवमेंट्स में बच्चों ने भाग लिया है, औरतों ने भाग लिया, जो कि अमूमन देखने को नहीं मिलता है। तो ये बहुत बड़ी जीत है हमारे समाज के लिए कि भैया अगर एनवायरमेंट को कुछ भी हुआ तो लोग खड़े हो जाएंगे, लोग खड़े हो गए तो सरकार को झुकना ही पड़ता है, क्योंकि यहां पे क्या है, डेमोक्रेसी, कम्युनिज्म तो है नहीं कि सरकार अपनी चलाएगी, ठीक है ना। चाइना में ऐसा कुछ नहीं होता है, जी हाँ। तो चिपको मूवमेंट की बात करें तो वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। साइलेंट वैली अभी मैंने पिछले, बाकी सारे तो मूवमेंट मैंने इसी महीने, इसी मंथ कवर किए हैं, तो सिर्फ साइलेंट वैली मूवमेंट मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है कि किस तरीके से यहां पे भी डैम बनाने की बात चल रही थी। जी हाँ, ये डैम बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। डैम के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स तो बहुत होते हैं, एडवांटेजेस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारे होते हैं, तो वो सारी चीजें देखेंगे। एडवांटेजेस तो दोस्तों अगर हम देखें कमर्शियलाइजेशन में और एनर्जी जनरेशन में, इवन एग्रीकल्चर में बहुत होते हैं, डैम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोगों पे इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। जंगल बचाओ आंदोलन देख लिया था, ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मूवमेंट है, जंगल बचाओ आंदोलन और चिपको मूवमेंट। तो वो हमने देखा था कि किस तरीके से सिंह भूमि झारखंड में पेड़ों को काटना शुरू कर दिया था, फिर वहां के आदिवासी जो है वो खड़े हो गए थे, क्योंकि भैया आदिवासियों के पास कुछ नहीं होता है सिवाय जंगल के, सिवाय नेचर के। एपिको मूवमेंट अभी हमने पिछले हफ्ते देखा था, ठीक है ना, तो वो आप देख लीजिएगा। एपिको मूवमेंट ये साउथ में हुआ था और ये चिपको मूवमेंट की तरह ही एकदम हुआ था, ठीक है ना। फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन, यहां पे भी डैम, किस तरीके से डैम बनाया जा रहा था और पूरी नर्मदा नदी का जो कोर्स है वो चेंज करने की बात की जा रही थी, और आज हम देखेंगे तेहरी डैम कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों ये सातों के सातों मूवमेंट मैंने कवर कर दिए हैं, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से सुन लीजिएगा। जाहिर सी बात है आपको भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको एक बहुत ही बढ़िया आइडिया मिल जाएगा, आराम से इसको पढ़ के चले जाइए, इससे सवाल आएगा तो आप कभी भी चूकेंगे नहीं। तो अब हम तेहरी डैम पे आते हैं। तो अगर तेहरी की बात करें दोस्तों तो आपको पता ही है ये उत्तराखंड में है, दिल्ली से 200 मील दूर गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट तेहरी, वहां पे उत्तराखंड में ये है, ठीक है। अब दोस्तों ये जो डैम है ये हाईएस्ट, इंडिया का हाईएस्ट डैम है, ठीक है ना, और फिफ्थ टॉलेस्ट डैम है वर्ल्ड में, और भागीरथी नदी के किनारे बना हुआ है ये, भागीरथी रिवर पे बना हुआ है। भागीरथी रिवर की बात करें तो गंगा के दोस्तों दो हेड स्ट्रीम है, आपको पता ही है, एक है अलकनंदा, दूसरी है जो मेन स्ट्रीम है जिसको भागीरथी रिवर बोलते हैं, ये वही भागीरथी रिवर है जो दोस्तों जिसके लिए
प्रोफेसर जी डी अग्रवाल ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। अक्टूबर 2018 में उनका देहांत हुआ था। जी डी अग्रवाल की बायोग्राफी मैंने कवर की है दोस्तों, आप देख लीजिएगा। तो भागीरथी को बचाने के लिए कि किस तरीके से सरकार यहां पे डैम बना रही थी और पूरी तरीके से इस नदी को बर्बाद करने की तैयारी थी, कोर्स चेंज करके यहां इतने सालों से उन्होंने आंदोलन किए हैं और अल्टीमेटली अक्टूबर को उनका स्वर्गवास हो गया। लड़ते लड़ते, जी हां, उनका स्वर्गवास हुआ था। बहुत सारे चिट्ठियां लिखी उन्होंने प्रधानमंत्रियों को, मत करिए, अविरल गंगा का नारा दिया गया कि भैया गंगा को पल्यूट मत करिए, गंगा का कोर्स मत चेंज करिए, उसको बहने दीजिए। लेकिन सरकार सुनती कहां है, यही चीज है। और उसका फिर खामियाजा दोस्तों, देखिए नेचर के सामने हमारी कोई औकात नहीं है। हम जितना भी समझ ले कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, ये कुछ नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। हवल लिमिट से ऊपर कुछ नहीं, प्लैंक लिमिट्स तो कुछ नहीं है, इंसान कहीं टिकता ही नहीं है। तो दोस्तों ऐसा है ना, तो हम लोग को थोड़ा सा अपने में ही रहना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा देखना चाहिए कि भैया नेचर से ज्यादा छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि नेचर का क्या है, उसको तो बस एक हल्का सा बस अपनी पलक झपकानी है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो भागीरथी रिवर पे ये बना हुआ है। अब दोस्तों इसका फेज वन जो है, वैसे तिहरी डैम पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, ऐसा नहीं है कि यहां पे आंदोलन बहुत हुए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। दोस्तों क्या होता है कि जब कोर्ट साथ होता है, आपके साथ अगर जुडिशरी साथ है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है, और अगर जुडिशरी नहीं साथ है तो बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। क्योंकि ये तो हमको मतलब बड़े गर्व की बात है हमारे लिए कि हमारे पास कम से कम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, जो कि बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छा जजमेंट देते हैं, है ना, कि अगर इंसान हर जगह से निराश हो जाए तो कोर्ट की तरफ चला जाएगा, वो वहां से वो निराश नहीं होगा अगर उसका केस सही है। लेकिन यहां पे केस ने भी डैम के, मतलब केस ने, कोर्ट ने ये डैम के साथ था, ठीक है, जो जजमेंट आया वो यही है कि डैम को बनने दिया जाए। तो इसीलिए पूरा को पूरा डैम जो है वो पूरा हो चुका है, ठीक है। आंदोलन ये 1990s में शुरू हुआ था और 2006 में इसका फेज वन जो है कंप्लीट हो गया था। अब डैम को बनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने ही बोला था, हालांकि बाद में जवाहरलाल नेहरू को अपनी गलती का एहसास हुआ था कि ये लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव करेगा। दोस्तों जब भारत आजाद हुआ था तो ऐसे प्रोजेक्ट्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि देखिए डैम्स करते क्या है, देखिए डैम्स का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन मोटिव क्या होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिटी, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन का सबसे एफिशिएंट तरीका है कि आप डैम बना दो, सबसे बेहतरीन तरीका। डैम में क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसके फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड होती है और उसके बाद फिर वाटर आता है, वाटर को यूज किया जाता है, वाटर के करंट्स को स्टोरेज होती है दोस्तों, पंपिंग की जाती है, टर्बाइन घूमते हैं, जैसे ही वाटर का फ्लो होता है वो जो टर्बाइन्स हैं वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम से कनेक्ट होते हैं और जब वो तेजी से घूमते हैं और जितना ज्यादा तेजी, जितना ज्यादा एलिवेशन, उतना जबरदस्त एनर्जी जनरेशन, उतना अच्छा एनर्जी जनरेशन। तो वहां से जो है वाटर, पानी से हम बिजली को बनाते हैं, तो ये सबसे एफिशिएंट वे है बिजली को बनाने का और बहुत ही इको फ्रेंडली है। दूसरी चीज क्या करते हैं, ये एग्रीकल्चर में मदद करते हैं, खेती में मदद करते हैं। दोस्तों आपको पता है कैनाल इरिगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजकल आपने देखे होंगे जब भी खेतों से ट्रेन गुजरती है या फिर आप भी खेत में जाते होंगे तो बड़े बड़े कैनाल्स होते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है दोस्तों कि ये डैम जो है ये खेतों से कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना, और जब पानी जाता है तो इन कैनाल्स को भरते जाते हैं ये डैम्स, और जब कैनाल्स को भरेंगे, अब कैनाल से पूरा का पूरा जो एग्रीकल्चर लैंड है वो कनेक्ट होता है, तो वहां की मिट्टी को ये उपजाऊ बनाते हैं, जिसकी वजह से खेती को मदद मिलती है। और भैया अगर एग्रीकल्चर अच्छा होगा तब तो बहुत ही बढ़िया है, फार्मर्स तो खुश, पूरा देश ही फार्मर्स की वजह से, पूरा देश क्या पूरी दुनिया फार्मर्स की वजह से है। भैया जब भी खाना खाओ सबसे पहले किसानों को शुक्रिया बोलो, और किसानों की हालत बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है ना। तो अब दोस्तों ये छुई छुई। तीसरी चीज भैया, ड्रॉट में मदद करते हैं, अगर फ्लडिंग, फ्लड्स होते हैं उसमें मदद करते हैं, ठीक है, बाढ़ में मदद करते हैं, जब पानी रुका होता है तो पानी को बाहर ढकेलने में ये मदद करते हैं, ठीक है ना, ताकि ज्यादा ड्रास्टिक कंडीशन ना आए। लेकिन दोस्तों इसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, जब डैम आप बनाते हैं तो सबसे पहले तो आपको पेड़ों की छटाई करनी पड़ती है, ठीक है ना, आपको डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को हटाना पड़ता है। डैम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है ना, तिहरी डैम, ये देखिए ये है पूरा का पूरा, आपको दिख रहा है ना, अब ये पूरा का पूरा यहां से सब पेड़ वेड़ सब जगह से हटाए गए हैं, ठीक है ना। ये तो पहले के बोला पूरा पेड़ था ना, ये नदी के ही ऊपर तो बनाएंगे, तो ये बहुत ज्यादा करोड़ों रुपए इसमें लगते हैं, और उसके बाद फिर पूरा का पूरा जो ये होता है, पेड़ों को हटाया जाता है, फॉरेस्ट कवर को हटाया जाता है, डिफॉरेस्टेशन किया जाता है। हालांकि इस प्रोजेक्ट में बोला गया था कि हम, देखिए सरकार क्या बोलती है कि हम जो भी गलत कर रहे हैं, जैसे अगर हमने कुछ भी गलत किया तो हम उसकी भरपाई करेंगे,
अगर हमने इतने पेड़ों को काटा तो हम इतने पेड़ लगा देंगे, हम एफॉरेस्टेशन करेंगे। दूसरी चीज सॉयल इरोजन, डैम जो होते हैं वो उपजाऊ मिट्टी को हटा देते हैं, ठीक है ना, इरोड कर देते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, फ्लोरा फौना को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचती है दोस्तों, जानवरों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है, पेड़ों को कटा रहे, पेड़ों को काट रहे तो उनका घर छिन रहा है, ठीक है, और भैया हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम पेड़ों के कटाई से तो डिस्टर्ब होता ही होता है। लोगों का सबसे ज्यादा दिक्कत होती है दोस्तों, क्योंकि जो गांव में लोग रहते हैं, जो पहाड़ी एरिया में लोग रहते हैं और जो जंगलों में लोग रहते हैं, वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी इन्हीं जंगल से बिताते हैं, इन्हीं जंगल से मतलब इन्हीं पे ही डिपेंड रहते हैं वो, ठीक है, जंगल से उनको खाना मिलता है, जंगल से उनको पानी मिलता है। अब जब ये पूरा डैम बनता है तो इन सारे के सारे लोगों को शिफ्ट करना होता है, माइग्रेट करना होता है, यही नर्मदा बचाओ आंदोलन में यही हुआ था। अब इनको सरकार पूरा माइग्रेट करती है, सरकार बोलती है कि हम आपको बस्ती बना के देंगे, हम आपको घर बना के देंगे, हम आपको रिलोकेट करेंगे, तो आपको जो आपसे छीना है वो हम सब देंगे, लेकिन सरकार देती नहीं है, जिसकी वजह से गरीब लोगों को क्या पता, गरीब लोगों के पास ना ही उनके पास कोई बहुत बड़े साधन होते हैं, ना ही सिस्टम का सपोर्ट होता है, गरीब लोगों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है, ठीक है। तो ऐसे एक्टिविस्ट को आगे आना पड़ता है कि हम इनके कॉज के लिए लड़ेंगे। तो ये पूरा का पूरा डैम का, ये सारे के सारे डैम के एस्पेक्ट्स है, ठीक है ना। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, और इन्हीं एस्पेक्ट को, इन्हीं सारी चीजों को, नेगेटिव चीजों को रोकने के लिए ये आंदोलन जो है वो शुरू हुआ। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जवाहरलाल नेहरू ने ही बोला था 1961 में, तेहरी डैम प्रोजेक्ट इसको बनाना शुरू करो, भारत आजाद हुआ है, हमारे पास कोई ना कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए जिसकी जिससे हम इसको डेवलप कर सके, ठीक है, अपने देश को डेवलप कर सके, एनर्जी को जनरेट कर सके, ठीक है ना। तो ये चीज है। उसके बाद 1972 में इसका डिजाइन जो है वो पूरा हुआ, लेकिन 1978 में इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो शुरू हुआ, लेकिन फिर रुक गया, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली 1988 में THDC बना, तिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है ना, और उसके बाद THDC ने इसको बनाना शुरू किया, और इसमें 75:25 का रेशियो था, मतलब 75% जो फंडिंग है, ठीक है ना, वो कौन करेगा भैया, सेंट्रल गवर्नमेंट, और 25% जो है वो स्टेट है, उस समय उत्तराखंड यही सब उत्तर प्रदेश में ही था, ठीक है ना। तो ये चीज थी। अब यहां से फिर ये बनना शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही दोस्तों ये बनना शुरू हुआ, लोगों को पता था बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है दोस्तों। क्या है कि पहली बात तो उत्तराखंड में ये डैम बन रहा है, अब इतना भारी भरकम प्रोजेक्ट, वो सीज़मिक जोन है, ठीक है, वहां पे ग्राउंड मोशन ज्यादा रहते हैं, अर्थक्वेक आने के चांसेस ज्यादा है, ज्यादा वहां पे कुछ भी किया तो भैया भूकंप आ सकते हैं। आपको पता ही ना, हिमालय जो है वो तीन में डिवाइडेड है, चार में डिवाइडेड है बेसिकली, भारत की भारत की जो ज्योग्राफिक मतलब फिजियोग्राफिक ज्योग्राफिक सॉरी भारत की जो फिजियोग्राफी है वो छह पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है ना। उसमें सबसे पहला क्या है, हिमालयन, द ग्रेट हिमालयन रेंज। अब हिमालय भी तीन पार्ट में डिवाइडेड है, आपको पता है कि नहीं, इनफैक्ट चार में है, सबसे पहले तो ट्रांस हिमालय, ठीक है ना, उसके बाद कौन सा भैया, ग्रेटर हिमालय, ठीक है ना, पूरा लद्दाख का रीजन ग्रेटर हिमालय, जहां पे साल भर जो है वो बर्फ रहती है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट मिडिल हिमालय, जिसको शिवालिक्स बोला जाता है, हिमाचल बोला जाता है, जिसमें उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश सब आ जाता है, ठीक है ना। तो ये सीज़मिक जोन है, और उसके बाद फिर सबसे आउटर हिमालय जिसको बोला जाता है शिवालिक्स, ठीक है ना, और आउटर हिमालय जिसको बोला जाता है। तो ये सीज़मिक जोन है भैया, यहां पर ज्यादा छेड़खानी करनी सही नहीं है, भूकंप आ सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम यही थी कि अगर हम इस पूरे डैम को बनाएंगे, लोगों ने बोला कि आप इसको बनाएंगे, लेकिन 50,000 से 1,00,000 तो पूरा डिस्प्लेस होंगे लोग। दूसरी चीज ये है कि ये जो पूरी जो ये टाउन है तिहरी टाउन, ये तो डूब जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है, जहां पे डैम बन रहा है वहां के लोगों का क्या। अब आप बोल रहे हैं कि इनको आप डिस्प्लेस करेंगे, इनको ये पूरा घर बार छोड़ के जाएंगे कहीं पे और आप इनको कंपनसेशन देंगे, लेकिन अगर नहीं दिया तो, और साइंटिस्ट ने बोला कि इसमें तो 5,00,000 लोग मर जाएंगे डायरेक्टली, तो वो उसकी फिर एक भी अगर इंसान मर रहा है तो सरकार की जिम्मेदारी, यहां पे तो 5,00,000 लोगों के मरने का खतरा है, तो आप क्या करेंगे। तो यहां पे 1990 में लोगों ने मूवमेंट करना शुरू कर दिया, तिहरी बंद विरोधी संघर्ष समिति ये पूरी बनाई गई, और उसके बाद फिर एक के बाद एक पेटिशंस फाइल की गई, सरकारों को अप्रोच किया गया, लेकिन जब सरकारों ने नहीं सुनी तो उसके बाद ये कोर्ट में गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि इसको क्या है कि इसका जो क्या कहते हैं कि
ये जो पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन है इसको चलने दो, ठीक है। बहुत सालों तक केस चला दोस्तों, ये 10 सालों तक केस चला, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों सुंदरलाल बहुगड़ा ने इसको, इस आंदोलन को पूरा का पूरा अपने हाथों में लिया। सुंदरलाल बहुगड़ा भाई चिपको आंदोलन वाले, ठीक है ना, चिपको आंदोलन वाले, और उन्होंने बोला कि नहीं नहीं और इस आंदोलन में पूरा उन्होंने हिस्सा लिया, और इनका तो अच्छा खासा नाम था, तो जाहिर सी बात है दोस्तों जिनका नाम होता उनके साथ लोग भी जुड़ते हैं। अब सुंदरलाल बहुगड़ा तो जो भी करते थे, ठीक है, बहुत ही पीसफुली करते थे। देखिए दोस्तों मूवमेंट करने के दो ही तरीके होते हैं, एक तो आप पीसफुली करिए और एक तो कम्युनिस्ट की तरह एकदम भयंकर तरीके से सरकार से भिड़ जाइए, एक एक को मारना शुरू कर दीजिए। आप मारेंगे, सरकार यही चाहती है, कोई भी सरकार। जब हमारा भारत, मतलब जब ब्रिटिश थी हमारे, मतलब भारत में जब ब्रिटिश रूल करती थी तो वहां पे क्या होता था, वहां पे सरकार तो यही चाहती थी ना कि किसी भी तरीके से ये हिंसा कर दे। इसीलिए तो बोलता ना गांधी जी की जो स्टाइल है नॉन वायलेंट की, वो नॉन वायलेंस की वो काम करती है, अहिंसा की स्टाइल हमेशा काम करती है। आपके पास कोई कारण ही नहीं रहता कि भैया अगर हम इन पे हमला भी करें, इनको जेल में डालें तो डालें क्यों, ये तो प्रोटेस्ट करना है जो कि इनका अधिकार है। तो भैया सुंदरलाल महुगड़ा जो है वो इसी तरीके से जो है वो प्रोटेस्ट करते थे और बैठ गए वो, ठीक है। 50 दिन की, 49 डे की हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल उन्होंने कर दी कि जब तक इस कंस्ट्रक्शन को नहीं रोका जाएगा तब तक मैं अन्न नहीं खाऊंगा, छूंगा नहीं। अब उस समय प्राइम मिनिस्टर थे HD देवेगौड़ा, उन्होंने बोला कि ठीक है हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम एक स्पेशल कमिटी बनाएंगे, आप परेशान मत होइए। लेकिन वही है सब कुछ आश्वासन, सरकार आश्वासन देके भूल जाती है। सरकार ये बहुत बढ़िया करती है कि अगर उनको कुछ भी डेवलपमेंट करना होता है तो वो क्या करेगी कि आपको आश्वासन देगी, उसके बाद भूल जाएगी कि यार छोड़ो हटाओ क्या करना मुझे, ठीक है ना। अब दोस्तों मैं इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी बताऊंगा, ठीक है, तेहरी डैम के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी लास्ट में बताऊंगा। लेकिन वो कि ऐसा नहीं है कि एकदम डैम बनाना एकदम बेकार है, ऐसा नहीं है, वो भी बताऊंगा कि इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, ठीक है ना। उसके बाद फिर केस और आगे बढ़ता है, ठीक है, ये चीजें और आगे बढ़ती है। जुलाई 2000 में विश्व हिंदू परिषद ने फिर इनके खिलाफ पूरी कैंपेन स्टार्ट कर दी कि इसको बंद करो, लेकिन कुछ होता नहीं है। अब इसके बाद यहां से 2000 के बाद से लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है कि कुछ भी करके इसको रोकना ही रोकना है, क्योंकि वहां पे कोर्ट का यही फैसला होता है कि आप छोड़ो इसको, तेहरी डैम बनाओ। तो यहां पे बहुत सारे जो लोकल्स हैं वो ज्वाइन करते हैं, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं, और एक बार तो ऐसा हुआ था कि ट्रक्स जा रही थी, ठीक है ना, तो लोगों ने ट्रक्स को रोक दिया था कि ट्रक जाने ही नहीं देंगे कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो पुलिस ने पकड़ पकड़ के एक एक को मारा था, घर में घुस के मारा था, आपको पता है लाठी चार्ज की थी प्रोटेस्टर्स पे, घर में घुस के मारा था, औरतों को मारा था, बच्चों को मारा था। जी हां, जब प्रोटेस्ट होते थे 6 जनवरी 2001 को पुलिस ने जबरदस्ती सबको उठा के जेल में बंद कर दिया था, मारना शुरू कर दिया था, लाठी चार्ज कर दी थी। तो ये चीज थी। अब क्या है कि यहां पे सरकार बिल्कुल भी जो बोल रही थी कि तेहरी डैम जैसे ही बनेगा हम रिलोकेट कर देंगे इनको, रिहैबिलिटेशन पूरा का पूरा माइग्रेट करके इनको सब कुछ देंगे जो इनसे छीना है, ये कुछ भी नहीं दिया इन्होंने, कुछ भी नहीं दिया, सरकार नाकामयाब रही। इसके खिलाफ और ज्यादा गुस्सा, ठीक है, और ज्यादा मूड खराब कि जो हमसे वादा किया था वो तो है ही नहीं, तो अब क्या करें। तो ये चीज है, ये प्रोटेस्ट जो है वो चलता रहता है। सुंदरलाल बहुगुणा इसमें सबसे आगे होते हैं, ठीक है, और एक और हंगर स्ट्राइक, एक और भूख हड़ताल बोल देते हैं 9 दिसंबर 2000 से, क्योंकि आश्वासन दिया जाता है, उसके बाद कुछ भी नहीं होता है, सरकार बोलती है हम आपके साथ है, लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है। 5 साल ऐसे बीत जाते हैं, तो यहां पे फिर से सुंदरलाल बहुगुणा कहते हैं कि अब हम दोबारा हंगर स्ट्राइक करेंगे, इसको रोक दो। उसके बाद इंजीनियर्स बोलते हैं कि हम टनल्स बनाना शुरू कर रहे हैं, और अब हम रियल काम, देखिए दोस्तों कॉम्पोनेंट, 3 कॉम्पोनेंट है तेहरी डैम के। सबसे पहला कॉम्पोनेंट यह है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाना है, पहला कॉम्पोनेंट तेहरी का। दूसरा कोटेश्वर डैम बनाना है, ये एक और डैम है, बनी गया है वैसे तो, सारे डैम सारे प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, इसकी सब्सिडियरी है। देखिए दोस्तों तेहरी डैम की जो कैपेसिटी वो 1000 मेगावाट है, बहुत ज्यादा होगी दोस्तों। आपका बल्ब एक 60 वाट का होता है ना, मेगावाट, किलोवाट कितना होता है, 10^3 मतलब 1000 वाट, और मेगावाट 10^6, तो आप खुद ही समझ लीजिए कितना ज्यादा हो गया, ठीक है। तो 1000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा तेहरी डैम। उसके बाद कोटेश्वर, इसकी एक, इसका एक पार्ट 400 मेगावाट की बिजली बनाएगा। और उसके बाद तीसरा जो कंपोनेंट है
तिहरी डैम पंप्ड स्टोरेज, जो कि पंप स्टोरेज क्या होता है, पानी को स्टोर करके पंप करो, पूरा मैकेनिज्म होता है दोस्तों, ताकि एनर्जी मिले, ठीक है। तो ये इनके तीन कंपोनेंट थे। यहां पे इंजीनियर ने इन सारे प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दी, उन्होंने टनल्स बनाना शुरू कर दिए। उसके बाद उन्होंने बोला कि सारे लोगों को अब डिस्प्लेस करना ही पड़ेगा, वरना ये लोग डूब जाएंगे। तो यहां पे जब सुंदरलाल बहुगुणा और लोगों ने सुना तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी नहीं ऐसा होने देंगे, और कुछ भी हो जाए अपनी जगह से हटना नहीं, ये सीधा सीधा बोल दिया गया, ठीक है। लेकिन सरकार ने साम दाम दंड भेद सब कुछ किया, कोई भी ज्यादा इससे क्या कहते हैं कि फर्क नहीं आया सरकार पे, और सरकार ने फोर्सिबली सबको हटाया। माटू कैंपेन भी हुई लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। जहां पे तेहरी डैम बन रहा था वहां पे प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया, लेकिन तब भी उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि यहां पे सरकार पूरे मूड में थी कि प्रोटेस्ट को दबाना ही दबाना है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर आपको पता ही कि हाईकोर्ट का ये मैंने बता ही दिया कि ये पूरा था कि प्रोजेक्ट जो है वो कंटिन्यू रहेगा, और उसके बाद फिर वो कंटिन्यू रहा ही। अब इसमें यहां पे तेहरी डैम जब बन रहा था तो बहुत सारे करप्शन के चार्जेस भी लगे, THDC। देखिए दोस्तों, चार्जेस क्या, वो तो सबको पता है, हुआ ही होगा। करप्शन एक ऐसी चीज है जिसको अगर नहीं रोका गया तो देश को खा जाएगी। उसके बाद करप्शन के चार्जेस लगे तो CBI ने बोला कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, लेकिन इतनी ज्यादा देर कर दी सरकार, जिसकी कंट्रोल उसका, इतनी ज्यादा देर कर दी कि ये CBI हो ही नहीं पाया। CBI को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, और हर कोई ये कहता है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। सरकार थोड़ी ना चाहेगी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को बिल्कुल आजाद कर दें, ठीक है। तो ये चीज है, तो आई होप चीज समझे होंगे। उसके बाद फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लैंड टाइटल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया भैया। अब उसके बाद अगर ऐसा हो रहा है तो सारे पेड़ों की कटाई होगी। ये अभी बन रहा है प्रोजेक्ट, अभी पूरा का पूरा बना नहीं है। 1990 से लेकर 2006, 16 साल तक ये पूरा डेवलपमेंट फेज है, ठीक है ना। डेवलपमेंट फेज में ही तो सारी प्रॉब्लम होती है कि किस तरीके से लोगों को हटाया जाएगा, पेड़ों को हटाया जाएगा। तो ये चीज थी, यहां पे सुंदरलाल बहुगुणा ने बोल दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और लोगों को यहां पे जागरूक करना शुरू कर दिया। लोगों ने बहुत ज्यादा हिस्सा भी लिया प्रोटेस्ट में, लेकिन दोस्तों अल्टीमेटली यहां पे जितनी भी कमिटीज थी उन्होंने यही डिसीजन लिया कि डैम सेफ है, हम इसको बनाएं और इसका काम जो है वो कंटिन्यू रहे। और उसके बाद फेज वन कंप्लीट हो गया, और काफी कुछ जो मैंने आपको बताया था ना डिसएडवांटेजेस, वही हुए। पेड़ों को काटा गया, लोगों को हटाया गया, पूरा तेहरी टाउन जो है, मतलब उसके बाद फिर न्यू तेहरी टाउन अभी बनाया गया है नया, ठीक है, वो भी डिसरप्ट हुआ। अब दोस्तों हम बताते हैं कि डैम के, ये तो आपको अभी तक मैंने नेगेटिव एस्पेक्ट बताया, हालांकि ये डैम अभी तक बहुत अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने दिया है, ठीक है, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन रोड्स हैं, और सबसे बड़ी बात है टूरिस्ट अट्रैक्शन होते हैं ये सारे के सारे डैम्स। यहाँ पे टूरिज्म बहुत ज्यादा आता है डैम से, आपको पता ही है कि भारत का अगर सबसे ऊंचा डैम है तो कोई भी उत्तराखंड जाएगा तो तेहरी तो जरूर देखेगा। मैं भी गया हूँ दोस्तों, क्योंकि तो इसीलिए बता रहा कि टूरिज्म एक टूरिस्ट स्पॉट भी है, वो हो जाता है। उसके बाद काफी स्कूल्स भी बनाए हैं लोगों के लिए, गांव भी बनाया है लोगों के लिए, घर भी बनाया है, हॉस्पिटल बनाए हैं, सीवरेज सिस्टम बनाया है, एक यूनिवर्सिटी बनाने का भी अभी पूरा का पूरा क्या कहते हैं कि वो सब चल रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें तो करती ही करती है, लेकिन फिर भी दोस्तों कि जो लोगों ने खोया है उसकी भरपाई जो है वो कभी नहीं की जा सकती। अभी तेहरी डैम एक्टिव है और उसके बाद ऑपरेशनल है, मतलब, और उसके बाद वो अच्छे से एनर्जी सप्लाई कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी हमको नेचर को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इन सारी चीजों को देख के, मतलब कोई भी अगर प्रोजेक्ट बन रहा है तो हर चीज को देख के, और बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है ना, कि ऐसा नहीं है कि अगर सरकार को फायदा हो रहा है तो सरकार बोल रही है कि हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, देखें कि किस किस को नुकसान हो रहा है, उस तरीके से अगर आगे बढ़े तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा दोस्तों। ये 7 इकोलॉजिकल मूवमेंट मैंने पूरे कंप्लीट कर दिए हैं, सबके सब अवेलेबल है, सबकी PDFs अवेलेबल है, आप आराम से इसको पढ़िए, समझिए, और भैया एग्जाम निकालिए। एग्जाम्स की बात करें तो ये पेन ड्राइव कोर्सेज है हमारे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।